मेरा नाम है राहुल और आपका पुणे के राहुल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिस्क टू रिवार्ड रेशो है, लाइक 1:1 रेशो, 1:2 रेशो, 1:3 रेशो एंड 1:4 रेशो। तो ये जो रेशो है रिस्क एंड रिस्क टू रिवार्ड रेशो, ये हम कोई भी कंपनी का प्रीमियम लेने के बाद टारगेट एंड स्टॉप लॉस पे कैसे काम करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। एग्जाम्पल, अगर हमने कोई भी कंपनी का एक शेयर 100 रुपये पे लिया हुआ है और इस टाइम हमने टारगेट लगाए 104 रुपये और उसका स्टॉप लॉस लगाए 90 रुपये, इसका मतलब है 104 रुपये हमने टारगेट लगाए और 90 रुपये हमने स्टॉप लॉस लगाए, इसका मतलब 1:2 रेशो, यानी 4 रुपये रिवार्ड और 2 रुपये रिस्क, 1:2 रेशो। अगर हमने हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:3 और 1:4 रखा तो बहुत चांस कम रहता है कि हम प्रॉफिट बनाए, क्योंकि बहुत बार हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है और हमको प्रॉफिट नहीं मिलता। तो मोस्ट ऑफ द टाइम रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:2 रखना बहुत जरूरी है। तो 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो हम ट्रेडिंग व्यू में कैसे सेट करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट विथ हाउ टू मेंटेन 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रेशो लाइक अ टारगेट एंड स्टॉप लॉस इन ट्रेडिंग व्यू। लेट्स स्टार्ट। मेरा ट्रेडिंग व्यू का विंडो मैंने ओपन किया हुआ है, तो इसमें मैंने एज अ एंट्री और एग्जिट लेने के लिए पहले से कुछ सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करके लिए हुए है। मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न कौन से रहते हैं, क्योंकि इन पैटर्न से हमको पता चलता है कि मार्केट में एंट्री कब लेना है और एग्जिट कब लेना है। तो इस वीडियो का हमारा एम है कि हमको सीखना है कि मार्केट में अगर हमको ट्रायंगल पैटर्न या कोई भी पैटर्न पता चले तो मार्केट में रिस्क टू रिवार्ड रेशो कैसे मेंटेन करना है। तो पहले ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करके रखा हुआ है। एक 23rd of May से लगभग 30th of May तक मैंने ट्रायंगल एक ड्रॉ करके लिया हुआ है। ट्रायंगल ड्रॉ करते हुए मैंने ध्यान दिया है कि कैंडल्स का लोअर लोअर हायर हाई को मैच करके मैंने ट्रायंगल ड्रॉ करके लिया हुआ है। तो ये देखिए, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल को कैंडलस्टिक ने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि हम मुझको यहाँ पे ट्रेड लेना है और यहाँ से कुछ मुझे प्रॉफिट लाना है। तो मुझे पता चला है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है। ओके, मार्केट ने यहाँ इस ट्रायंगल को यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन लेना है। तो ओके, तो ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे दो टूल दिया है, लॉन्ग पोजिशन फॉर बुलिश मार्केट, शॉर्ट पोजिशन फॉर बेरिश मार्केट। तो मुझे पता चला है कि अभी मार्केट बुलिश है। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे जो ब्रेकआउट होने के बाद जो दूसरी कैंडल है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ओके, अभी ये जो ओपन हुआ है इसको हम बोलते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशो। ओके, तो अभी रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:1 है। ओके, तो मुझे रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:2 मेंटेन करना है। ओके, तो मैंने ये जो रिस्क है, ये मैंने जो पिछली वाले कैंडल है उसका लोअर मेंटेन किया है, तो मेरा 500 रुपये अमाउंट आ गया। ओके, और मेरा जो रिवार्ड है ये मैंने 2000 रुपये कर दिया। तो आप देख सकते हैं मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना है, 1:2, लगभग 2। ओके, तो आप देख सकते हो कि इसके बाद मार्केट ने ट्रायंगल ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो यानी कि हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया। अगर मार्केट बेरिश होता तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, यानी कि स्टॉप लॉस यानी हमारा रिस्क और रिवार्ड यानी हमारा प्रॉफिट। इस तरह से हम बुलिश मार्केट में हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशो मेंटेन कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में। दूसरी बात, जब मार्केट बेरिश होता है, यानी यहाँ पे भी मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करके रखा हुआ है पहले से ही। ये देखिए, यहाँ पे डोजी कैंडल के बाद बहुत ही बड़ी बेरिश कैंडल है, तो यहाँ पे भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए, शॉर्ट पोजीशन लेके मैंने यहाँ पे भी रिस्क टू रिवार्ड रेशो टूल लेके यहाँ पे भी मैंने रिस्क और मेरे रिवार्ड को मैंने मेंटेन किया है। ये देखिए, अभी रेशो 1:1 है, तो मेरा रिस्क है वो पिछली वाली जो हायर है उसको मैंने एज अ रिस्क लिया यानी स्टॉप लॉस, और जो मुझे मेरा प्रॉफिट है ये देखिए, मैंने 15,000 कर दिया। यानी कि ये जो बुलिश कैंडल है, सॉरी बेरिश कैंडल, यहाँ पे मैंने टारगेट लगा दिया। अभी आप देख सकते हैं ये मेरा रिस्क, ये मेरा रिवार्ड। तो मार्केट ने उसी तरह से फॉलो किया। बहुत बार हम
जब हम 1:2 रिवर्स रेशियो रखते हैं तो हमको बहुत बार प्रॉफिट ही मिल सकता है, क्योंकि और इस पहली बात ये जो है रिस्क रिवार्ड रेशियो है, ये हमारा हमको बताता है कि हमको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और हमारा प्रॉफिट क्या रहना चाहिए। लेकिन एक ट्रायंगल जो पैटर्न है, पैटर्न से हमको पता चलता है कि मार्केट में एंट्री कब लेना है और हमको कब एग्जिट करना है। तो इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो हमको अब पता चला कि रिस्क टू रिवार्ड कैसे मेंटेन करना है। इसके बाद मैं कुछ स्लाइड ऐड करने वाला हूँ इस वीडियो में, जरूर देखना। थैंक यू।